शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आज नए साल के इस पहले वीडियो, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि नए साल में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन जाए, आप अपने ग्रहों को बदल सके, अपने नक्षत्रों को बदल सके और जो विपरीत समय आपका चल रहा है उसको भी आप बेहतर कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, पहली जनवरी 2020 को हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, नए वर्ष के लिए, नए वर्ष की शुभता के लिए, नए वर्ष के भाग्य उदय के लिए हमने आप सभी भक्तगणों के लिए वो यज्ञ किया। बहुत से लोग इस यज्ञ में पूरी दुनिया से जुड़े, जो आ नहीं सके उन सभी के लिए मैंने अपने हाथों से आहुति प्रदान की और जो लोग दिल्ली के आसपास थे या दिल्ली में थे उन्होंने आकर के अपने ही हाथों से अपने नवग्रहों को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान करी। सुबह से भंडारा चला था और यज्ञ हमने लगभग 4 से 6 के बीच में 2 घंटे हमने यज्ञ किया। तो ये यज्ञ कैसा रहा, अगर आप इस यज्ञ को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद भी देती हूँ। बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, इस यज्ञ में अपनी ओर से उन्होंने जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, जो भी वो आहुति डालना चाहते थे उन्होंने भेजा और जो नहीं भी डाल सके उनके नाम से भी हमने अवश्य ही यज्ञ किया। तो आप सभी के लिए मैं आभारी हूँ कि आप सभी के कारण ये यज्ञ बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ संपन्न हुआ। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी, जो आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, लगभग 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह है, यदि आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटी का आइकन, बेल का आइकन भी अवश्य दबाइए। समय समय पर हमारे चैनल पेज गुरु रजनीश ऋषि जी पर जाना ना भूलें और साथ ही यूट्यूब पर गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मारुकमणि जी सर्च करके आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ओम सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके जीवन में मां मंगल करे, ऐसी कामना करते हुए आइए जानते हैं वर्ष 2020 में आप ऐसा कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके बुरे से बुरे ग्रह भी बदल जाएंगे। आसान उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये उपाय इस बात पे निर्भर करता है कि हम एक मनुष्य, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है। नियम से ही सूर्य रोज उदय होते हैं, नियम से ही चांद आपको रात को देखने को मिलता है, नियम से ही नदियां बहती हैं ऊपर से नीचे, नियम से पूरी सृष्टि चल रही है। एक के बाद दूसरा मौसम आता है तो पूरी सृष्टि कुछ नियमों से, कुछ क्रम से चल रही है। ऐसा ही एक नियम है दूसरे को देना। अगर हम अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए दूसरे को कुछ भी प्रदान करते तो ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमें 4 गुना वापस करती। ये बहुत ही सरल एक नियम है, यदि इस नियम को जीवन में याद रखोगे तो कभी भी जीवन में अभाव नहीं होगा, कमी नहीं होगी। और इसी नियम पर आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ आपकी राशि के अनुसार, जिसे करने से आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी, अभाव नहीं होगा, दुख की छाया नहीं होगी। वैसे तो सुख और दुख दोनों ही जीवन के एक एक पहलू है, लेकिन फिर भी आपका मन दुख में भी स्थिर रहे और सुख में खूब आनंदित रहे, ये उपाय आपको वही काम करेगा। बहुत सरल सा उपाय है, कुछ ज्यादा करना भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर इसको प्रयोग आप करते हैं तो अवश्य ही 2020 धीरे धीरे करके जितने बुरे से बुरे ग्रह क्यों ना हो, विकट से विकट ग्रह क्यों ना हो, कितने भी नीच योग बन रहे हो, कितने भी नीचस्त ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इस धर्म को पालन करते हुए, इस उपाय को करते हुए आप अपने उन ग्रहों में बदलाव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि। अगर आपकी राशि धनु है यानी कि सैजिटेरियस से, तो आप अगर सप्ताह में एक बार यानी बृहस्पतिवार, वीरवार को, थर्सडे के दिन, अगर आप गुरुवार भी कुछ लोग इसे कहते हैं, तो इस दिन यदि आप किसी पंडित, ज्ञानी, साधु, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप अपने घर पर भोजन करें
और घर नहीं बुला सकते हैं तो मंदिर में जा करके या कहीं भी धर्म स्थान पर, या तो घर में करा सकते हैं या फिर धर्म स्थान पर कराएं, उन्हें भोजन कराएं घर पे। तो उनके आशीर्वाद से आप देखेंगे हर बृहस्पतिवार को, हर वीरवार को जब आप ये काम करेंगे वो धीरे धीरे समय और आपके ग्रह बदलने लगे। आप 2020 में हर वीरवार इस उपाय को करिए तो मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपने ग्रहों में बहुत सा परिवर्तन कर लेंगे। उपाय छोटा है लेकिन बहुत असरदार है, सस्ता है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। बस इतना सा आपने करना है और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर भी जीवन में आपकी कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपके गुरु मारुक्मणि हमेशा आपके साथ है। जो भी भक्त मुझे याद करेगा अवश्य ही मैं सदैव उसके पास और उसके साथ रहूं। आप एक बार याद तो करके देखिए, आपको अवश्य ही महसूस हो जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं आपके साथ। तो कोई भी आप समस्या जीवन में उठती है, हमारे शनिपीठ मंदिर के जो नंबर हैं वो हमेशा आपकी स्क्रीन पर रहते हैं। आप कभी भी उनमें से एक नंबर को डायल करिए और वहां से अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, अपने लिए उपाय जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लीजिए, निश्चित रूप से एक फीस हम जरूर चार्ज करते हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि हम उस फीस से बहुत सारे गरीबों की सहायता कर सके। कई बार ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जिनके पास फीस नहीं है, उनको हम फ्री देखते हैं। और इतने सारे लोग जिन्हें हर मंगलवार शनिवार हम प्रसाद वितरण करते हैं, जो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, उन सभी के लिए ये प्रयोग की जाती है। लगभग 8-9 साल से जो गरीब लड़कियों को मैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन दे रही हूँ उसके लिए ये प्रयोग की जाती है। तो बहुत से कार्यों में ये फीस प्रयोग की जाती है। और अब क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की तो हमने एक आचार्य जी एवं एक स्वामी जी को बिठाया है जो कि हर शनिवार रविवार आपकी फ्री में कुंडली देखने के लिए उपस्थित होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है और फिर भी अपना उपाय चाहते हैं तो उनकी स्वामी जी का, आचार्य जी का जो भी खर्चा है वो मंदिर देता है, लेकिन आप उनसे अपनी कुंडली फ्री दिखा सकते हैं। तो इन सभी कार्यों में ये फीस प्रयोग की जाती है, इसलिए एक छोटी सी फीस तो हमने रखी है। और वैसे भी आप जानते ही हैं इस प्रकार का जो भी कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है, कभी भी उसे फ्री में नहीं करवाते, कुछ ना कुछ अवश्य ही हमें दान दक्षिणा लेनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डायरेक्टली आमने सामने मुझसे बात कर सकते हैं, या हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से बात कर सकते हैं, या हमारे यहाँ जो स्वामी जी हैं जिनका डेली राशि फल आता है, स्वामी राज ऋषि जी, उनको भी आप कुंडली दिखा सकते हैं। You know me as Wayne, or you know me as Dr. Wayne. Before I came here, I was on a real success. I don't want to lie. That's why I said negativity became positivity, but positivity became more positive. As you know, Ref Wayne has always been a billionaire. He's always, but now I was at 2. Now I'm saying, no, I'm no more there. I'm now at 8, 9, 10. So I'm higher. And even the negative things that were happening, they've gone away. So I would say experience-wise, 100% super. It comes back again. Come and see for yourself. I would love one time just to maybe have a little workshop. It's just that I'm still convincing my guru. He says he will never leave his Shani Dev here because of they are busy. I said, no, guru, one day, just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deeper. Jai Shani Dev. Many suna. एक और प्रश्न साथ ही लेना चाहूंगी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ हम इतने ज्यादा कष्ट में और बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से धार्मिक चीजों में हम योगदान देते हैं या उसमें भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। और अगर हम दूसरी ओर ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, बहुत दुष्ट हैं, लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, फिर भी वो प्रसन्न है, खुश है, तो इसका उत्तर आज मैं आपको देती हूं। एक दिन एक म्यूजियम था, पूरा म्यूजियम मार्बल की टाइल्स से बना हुआ था और उसके ऊपर एक बीच में खूबसूरत सी मूर्ति लगी हुई थी। लोग उस मूर्ति के पास आते, उसके साथ फोटो खिंचवाते, उस मूर्ति का फोटो लेते और उस मूर्ति को देख के बिल्कुल वाह वाह करते। तो एक दिन रात्रि के समय जब सब चले गए, म्यूजियम बंद हो गया, तो वहां जो टाइल थी मार्बल की, उन्होंने मार्बल का जो पुतला था, जो स्टैचू था, उससे पूछा, अरे भैया
मुझे एक बात तो बताओ, तुम ही मार्बल से बने हो और मैं भी मार्बल से बना। लोग मुझ पे चढ़ चढ़ के तुम्हें देखने आते हैं और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, तुम्हारी वाहवाही करते हैं, तुम्हें इतना अच्छा मानते हैं और मेरे ऊपर केवल पैर रख रख के जाते हैं। तो इस बात को मुझे समझ नहीं आया। अरे मैं भी मार्बल से बना हूं, तुम भी मार्बल से बने हो, तो इतना अन्याय मेरे साथ क्यों? तो उस पुतले ने जवाब दिया, भैया ऐसा है, जब शिल्पकार हम दोनों को एक गुफा में से लेकर के आया, हम दोनों एक ही जगह से आए, वहां से जब वो शिल्पकार हमें लेकर के आया तो उसने तुम पर अपनी जो हथौड़ी और छेने थे उससे प्रहार करने की कोशिश की, पर तुम इतने जिद्दी बन गए, तुम इतने नेगेटिव बन गए कि तुमने उसे प्रहार नहीं करने दिया। तुम बिल्कुल भी मूर्ति में ढलने को तैयार न थे। तब उसने मुझ पर प्रहार किया, मार्बल की जो टाइल थी वो कहती है, अरे भैया तूने वो हथौड़ा और छेनी देखा था, कितना दर्द होता उससे। अगर वो शिल्पकार मुझ पे वो सब चलाता तो मैं तो दर्द के मारे मर ही जाता, इतना दर्द कौन सहता भैया। उस मूर्ति ने कहा, देखो उस शिल्पकार ने जब मुझ पर वो हथौड़ा और छेनी चलाए, बहुत दर्द हुआ, बहुत परेशानी आई, मैं बहुत तड़पा, बहुत रोया, लेकिन जैसे जैसे वो छेनी और हथौड़े से मुझे बनाने लगा, मेरी कायाकल्प हो गई और उसने मुझे इतना खूबसूरत रंग ढाला, इतना खूबसूरत बना दिया कि आज दुनिया मुझे देखती है, मेरी प्रशंसा करती है। और तुम क्योंकि दर्द से डर रहे थे, परेशानी से डर रहे थे, तुम केवल मार्बल की टाइल बन सके और लोग तुम पे चल के जाते। ये कहानी जो है केवल ये समझाने के लिए है कि जो आज अपनी चुनौतियों से घबरा गया, जो आज अपने दुख से घबरा गया, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे चल के कुछ नहीं बन सकता। अगर आपने जीवन में कुछ बनना है, अगर जीवन में आगे उन्नति करनी है, तो आज कष्ट को झेलना ही होगा। बड़े बड़े लोगों ने इस बात को कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं देखी, वो जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता। तो अगर आज आपके जीवन में कष्ट हो रहा है और सामने वाले को आप देख रहे हो बहुत आनंद से अपना जीवन काट रहा है, तो इस कहानी को जरा याद करना, क्योंकि आज आपके संघर्ष के दिन जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय ग्रह आप ही के साथ हैं, जीवन आप ही को आगे बढ़ाएगा और आप ही इस दुनिया में मशहूर होगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यदि कुछ बनना है तो कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, और यदि कष्ट से आप बचते रहोगे तो आगे जीवन में बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर आपको संघर्ष करने की शक्ति दे, अपने जीवन की चुनौतियों को उससे भागो नहीं, उसको सामना करने की शक्ति दे। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये नया साल 2020 आप सभी के लिए बहुत सुंदर और अच्छा हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शक्ति। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।